सो वेलकम बैक गाइस, इट्स मी हिमांशु यादव। और आज की वीडियो हम बात करेंगे इस पोर्टेबल हैकिंग मशीन के बारे में जो मैंने क्रिएट करी है बाय यूजिंग रेस्पबेरी पाई 3। इसके अंदर करंटली कालिनिक्स रन हो रहा है, तो एक प्रॉपर पॉकेट बीस्ट है। इसके कुछ पार्ट्स बता दूं मैं आपको। ये 3.5 इंच की डिस्प्ले है टच, और देन ये रेस्पबेरी पाई 3 इसका जो मदरबोर्ड, लेफ्ट में आप देख सकते हैं वाईफाई अडैप्टर है जो मॉनिटर मॉडर्न पैक इंजेक्शन सपोर्ट करता है। इसके बैक साइड पे मैंने एक पावर बैंक डबल साइड टेप से माउंट कर रखा है जो 5000 एमएच का है। इन सारे पार्ट्स की डिटेल्स मैं आपको आगे क्लेरिफाई कर दूंगा, जिसमें DIY बेहस को कैसे प्रॉपर मेक करना है और सेटअप करना है, ठीक है। और ये एक माइक्रो एसबी केबल है। देन इसको आप देख सकते हैं प्रॉपर बीस्ट है, पॉकेट बीस्ट है, इसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं और इसे पेन टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आपको कुछ पोर्ट्स मिलते हैं माइक्रो एसबी के, HDMI के, एंड देन 3.5 mm जैक। यहाँ पे आपको एक इथरनेट का पोर्ट भी मिल जाता है और 4 माइक्रो USB पोर्ट मिलते हैं, तो आपको सारे भाई IO कनेक्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे। देन इसको चलो पावर अप करते हैं। पावर अप करने के लिए आपको जस्ट कनेक्ट करना है और आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीन लाइट जलेगी। जैसे ग्रीन लाइट वहाँ पे ऑन हुई, इट मींस कि ये प्रॉपर बूट हो रहा है। देन चलो मैं आपको आगे शो करता हूँ इसके अंदर क्या क्या टूल्स मिलते हैं हमें कालिनिक्स के अंदर, उसको कैसे यूज़ करना है फॉर पेन टेस्टिंग। सो गाइस, ये देखो आप देख सकते हैं ये बूट अप हो चुका है। यहाँ पे इसके वर्बोस मोड डाउन हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बूटिंग प्रोसेस हो रहा है और ये कुछ सेकंड्स में आपका बूट हो जाएगा, अराउंड 20 to 25 सेकंड्स में, डिपेंड करता है। जैसे कि मैं रेस्पबेरी पाई 3 यूज़ कर रहा हूँ, अगर रेस्पबेरी पाई 4 यूज़ करोगे आप तो वो और ज़्यादा फास्ट है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रेस्पबेरी पाई 4 ही लेना अगर आप रेस्पबेरी पाई लेने की सोच रहे हो तो, ठीक है। सो गाइस, एज यू कैन सी बूटअप यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है और अपना कालिनिक्स का GUI ओपन हो चुका है, ठीक है। आप इसको करेंटली यूज़ कर सकते हैं विद बाय टच, और मैसेज करूँगा आप इसको ब्लूटूथ कीबोर्ड से यूज़ करें जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आपको कालिनिक्स का पोर्टेबल वर्जन मिलता है जिसके अंदर आपको 600 प्लस पेंट्रेशन टेस्टिंग टूल्स मिलते हैं, ठीक है। सो आप डिपेंड करता है कौन सा वर्जन आप यहाँ पे यूज़ करें। मैं पुराना यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रेस्पबेरी पाई 3 है। रेस्पबेरी पाई 4 है आपके पास तो उसके अंदर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करो और फ्रीली यूज़ करो, ठीक है। देन यहाँ पे आपको मैं कुछ टूल्स शो कर देता हूँ कौन कौन से टूल्स मिलते हैं यहाँ पे। सेटिंग्स में आपको प्रॉपर ऑप्शंस मिलते हैं जो कालिनिक्स के अंदर हैं। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के टूल्स मिल जाते हैं, Nmap, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के, देन SQL मिल जाता है वेब एप्लीकेशन का, पासवर्ड मैनेजमेंट का जॉन मिल जाता है, ठीक है। वायरलेस अटैक्स का एयरक्रैक एंजिन मिल जाता है जो यार सारे टूल्स का बाप है, ठीक है। और नीचे डाउन पे जाएंगे हम तो यहाँ पे आपको रिवर्स इंजीनियरिंग के भी टूल्स मिल जाते हैं, स्निफिंग, स्पूफिंग। इसके अंदर आपको सारे सेक्शंस के अंदर प्रॉपर टूल्स मिलते हैं जो मेनली यूज़ होते हैं यहाँ पे पेंट्रेशन टेस्टिंग के लिए, ठीक है। सो एज अ एथिकल हैकर यू नीड अ स्टफ लाइक दैट कि आपके पॉकेट फ्रेंडली एक डिवाइस हो जिससे आप पेंट्रेशन टेस्टिंग कर सके। तो चलो मैं आपको आगे शो करता हूँ कैसे आप इसको क्रिएट करना है एंड सेटअप करना है और कौन कौन से पार्ट इसमें यूज़ हुए हैं इसको क्रिएट करने में। चलो सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट कैसे इसको मैंने क्रिएट किया और कैसे आप इसको क्रिएट कर सकते हो, उसको सेटअप कर सकते हो, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद दी रेस्पबेरी पाई 3 मॉडल बी, दी हार्ट ऑफ दिस मशीन। आप यहाँ पे रेस्पबेरी पाई 4 भी यूज़ कर सकते हैं, मैं 3 यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बस वही पड़ा था। और 4 और इनके बाइंग लिंक्स ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से बाय करोगे तो चैन को भी सपोर्ट होगा, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद रेस्पबेरी पाई मॉडल बी, दी हार्ट ऑफ दिस मशीन। यहाँ पे आपको इसका एक 1.2 GHz का ब्रॉडकॉम का एक प्रोसेसर मिल जाता है। यहाँ पे माइक्रो एसबी के कुछ पोर्ट्स, HDMI की, एंड देन 3.5 mm जैक, एक इथरनेट पोर्ट मिल जाता है जो 100 Mbps तक कनेक्शन सपोर्ट करता है, और 4 USB A पोर्ट्स मिल जाते हैं, और ये इसके GPIO पिंस हैं जिससे आप इसका LCD डिस्प्ले और कुछ और स्टफ्स कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रॉपर RPI डिस्प्ले के लिए भी स्लॉट मिल जाता है। देन ये इसका एक मेमोरी कार्ड स्लॉट है, यहाँ पे आप अपनी मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हो जो एज अ रोम यूज़ होती है, ठीक है। और ये है एक 3.5 इंच की LCD डिस्प्ले जो एक टच डिस्प्ले है, और उसको इसके भी महंगे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये थर्ड पार्टी की डिस्प्ले है वेव शेयर कंपनी की, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप चीप जितनी चीप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़्यादा हाई एंड जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे जो थर्ड डिवाइस यूज़ किया है ये है एक ब्लूटूथ मिनी कीबोर्ड, ठीक है। बहुत सही चीज़ है यार ये आपका, ये मल्टीपर्पज़ गैजेट है, इसको आप इस प्रोजेक्ट के अलावा भी काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। इसकी सबसे कूल बात है ना, इसके अंदर एक नोकिया की बैटरी लगी हुई है, BL5C BL4C आपको याद होगा अगर आपने कभी नोकिया के फोन्स यूज़ किए हैं, द गॉड ऑफ फोन्स, ठीक है। सो इसके अंदर आपको एक ट्रैकिंग पैड मिल जाता है तो काफ़ी ठीक ठाक काम कर लेता है, और इसको आप अपने TV से कनेक्ट कर सकते हैं, PC से कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो कभी और बात करेंगे। सो थर्ड जो यहाँ पे यूज़ किया है वो है एक पावर बैंक, ये Ambrin का पावर बैंक है 5000 mAh का, और काफ़ी ठीक ठाक टाइम दे देता है हमको, 3 to 4 hours का आप टाइम दे देता है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 5000 से ऊपर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ना एक बहुत पोर्टेबल है और ये ना पूरा सटल एक लुक आता है इससे जब इसको मैं पीछे इसको डबल साइड टेप से माउंट करता हूँ, वो भी मैं आपको शो कर दूँगा। देन ये एक सिंपल माइक्रो USB केबल है, इसको मैंने टेप कर रखा है क्योंकि ये टूटने लग जाती है यार, आपको पता है। और देन यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड सैमसंग का 64 GB का,
देन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 32 GB यूज़ कर सको, आपका अगर बजट अलाउ करता है तो 64 पे जा सकते हैं, ठीक है। सो क्लास 10 यूज़ करना, फास्ट है और अच्छी काम करेगी। 10 ये है अपना वाईफाई अडेप्टर जो वाईफाई हैकिंग वाईफाई पेन टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये TP-Link का वर्जन 1 है, इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना रखी है, वर्जन 1 वर्जन 2 वर्जन 3 के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे राइट में आ रही होगी। 10 ये आ रहा है Leoxys का वाईफाई अडेप्टर, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है वाईफाई अडेप्टर की, मतलब वाईफाई अडेप्टर से सारा कंटेंट है चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो ये भी सपोर्ट करता है मॉनिटर बोर्ड पैक इंजेक्शन और सारी चीज़ें, ठीक है, AP मोड भी। देन दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, मैं लेकिन TP-Link यूज़ करता हूँ क्योंकि वो OG है। और देन यहाँ पे इसका एक्रेलिक केस आता है, सो ये बड़ा बेकार क्वालिटी का यार केस था, मतलब ये टूटने लग जा रहा था। और देन इसको मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ कैसे इसको कनेक्ट करना है। सो इसको GPIO पिन्स है आपकी रेस्पबेरी पाई 3 की, इससे अलाइन करना है और जस्ट एंड टू एंड पे ना देख लेना कोई भी आपकी GPIO पिन्स बाहर नहीं आ रही हो, और उसको सिंपल लगा के आपको देन इसको लाइट प्रेस देना और जिससे ये कनेक्ट हो जाएगा, बस सिंपल सिंपल एस, ठीक है। देन ये कनेक्टेड हो चुका है यहाँ पे सिंपल, और आपको ये यहाँ पे मेमोरी कार्ड यूज़ करेंगे। अब मेमोरी कार्ड के अंदर ना हमें इंस्टॉल करनी है काले लिनक्स, ठीक है। सो इसको हम एज अ बूटेबल मेमोरी कार्ड क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए अपने PC पे चलना पड़ेगा, तो चलो PC पे। सो गाइस ये मैं अपने PC पे आ चुका हूँ, और देन यहाँ पे मैं आपको शो करूँगा कैसे इसको क्रिएट करना है काले लिनक्स, कैसे इसके अंदर हम बूटेबल डिस्क कैसे क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे आपको देख सकते हैं 64 GB की मेरी मेमोरी कार्ड शो हो रही है। देन आपको जाना है क्रोम पे या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर लो अगर आप ओल्ड एज हो तो, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है काले लिनक्स फॉर आर्म डाउनलोड, ठीक है। सो काले लिनक्स की जो आर्म इमेजेस है वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ये प्रॉपर सेक्शन खुलता है यहाँ पे आप देख सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको आर्म पे सेलेक्ट करना जो फर्स्ट है, फर्स्ट पे यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे आपको सारे आ जाएंगे मॉडल्स नंबर आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको रेस्पबेरी पाई 2, 3, 4 32 बिट एंड 64 बिट दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। रेस्पबेरी पाई 1 ओरिजिनल दी OG 1 एंड रेस्पबेरी पाई 0 जिसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगी कुछ टाइम बाद। और यहाँ पे आपको और भी सेक्शंस मिल जाते हैं, और ये सारे सिंगल बोर्ड कंप्यूटर से आपको नीचे मिल रहे हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमको डाउनलोड करना है रेस्पबेरी पाई 2, 3, 4। सो अगर 3 है तो मेरा, तो मैंने 32 बिट वाले पे क्लिक कर दिया, आप 64 बिट वाला भी यूज़ कर सकते हो। सो 64 बिट यूज़ करता तो ज़्यादा सही रहेगा। देन डाउनलोड में जाएंगे तो आप देख सकते हो यार मेरी स्पीड बहुत तेज है क्योंकि मैं नासा से कनेक्शन ले रखा है मैंने जस्ट जोगिंग, मतलब 300 Mbps का कनेक्शन है मेरा और 30 Mbps के अराउंड स्पीड दे देता है वो, ठीक है। देन यहाँ पे आप जैसे आपकी फाइल डाउन हो जाएगी उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो उसकी एक ISO इमेज आ जाएगी। देन आपको यूज़ करना है टूल Balina Etcher। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप रूफस भी यूज़ कर सकते हो यार आपकी इच्छा है तो। देन यहाँ पे यूज़ करें हम Balina Etcher। यहाँ पे Balina Etcher को ओपन करना है, फ्लैश 4.5 में जाएंगे, यहाँ पे आपको वो ISO फाइल सिलेक्ट करनी है जो 64 बिट वाली जो आपने डाउनलोड करी थी, ठीक है। ये एक्सट्रैक्टेड वाली सेट करना ISO फाइल, ठीक है। इस पर आपको ओपन पर क्लिक कर देना है, देन आपको अपना यहाँ से मेमोरी कार्ड सेलेक्ट करना है। ध्यान रखना आप कहीं ऑन ना इसको फ्लैश कर दें, ठीक है। देन फ्लैश पर क्लिक कर दो, ये 10 to 15 मिनट्स लेगा क्योंकि मिनिमम तो उतना लेता ही है, मेमोरी कार्ड की स्पीड पर डिपेंड करता है। 19 to 20 Mbps आती है क्लास 10 में, ठीक है। सो ये फ्लैश हो जाएगा तो मैं चलो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, यार क्या देखोगे आप ये फ्लैशिंग, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद जैसे आप इसको ना देख सकते हैं 98.9% पहुँच चुका है, और ये जैसे इंस्टॉल होगा वैलिडेटिंग करेगा। यहाँ पे ना आप इसको स्किप कर देना, कोई ज़रूरत नहीं है आपको वैलिडेटिंग करने की। देन यहाँ पे फ्लैश कंप्लीट का ऑप्शन आएगा, आप इसको काट सकते हो, आपका फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन जब भी आप PC ऑन करोगे ना तो आप देख सकते हैं एक फॉर्मेट डिस्क का ऑप्शन आएगा, इसको कैंसिल कर देना, गलती से फॉर्मेट मत कर देना वरना दोबारा से स्टेप्स करने पड़ेंगे सारे, ठीक है। तो चलो PC का काम हो गया, चलो अपने रेस्पबेरी पाई पे चलते हैं। सो अपने हमने क्रिएट कर दी है बूटेबल डिस्क, ठीक है। सो उस बूटेबल मेमोरी कार्ड को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे रेस्पबेरी पाई 3 के मेमोरी कार्ड स्लॉट में। जैसे ही आप इसको इंसर्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि अब इसको हमें पावर ऑन करना है। सो देन आपको अपना पावर बैंक यूज़ करना है फॉर पावरिंग इट ऑन। आप इसको इसके ऑफिशियल अडेप्टर से भी चार्ज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक यूज़ करेंगे इथरनेट केबल जिससे इसको हम इंटरनेट कनेक्शन देंगे, और इथरनेट केबल आपको यूज़ होएगा क्योंकि आपको, और इथरनेट केबल ना आपके डायरेक्ट जो राउटर से आ रहा होगा वो वाला यूज़ करना जिसमें प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन हो, ठीक है। तो देन अपना पावर वाईफाई अडेप्टर लगाते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप वाईफाई अभी यूज़ नहीं कर सकते स्टार्टिंग में, तो इसलिए SSH कनेक्शन लेंगे ना तो आपको इथरनेट यूज़ करना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपको पावर अप दे देना है, इसको जैसे ही पावर करोगे तो अभी कुछ नहीं होगा स्क्रीन पे। सो हमें अभी पता करना है अपने रेस्पबेरी पाई की IP जो हमारे करंट नेटवर्क पे होगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे टूल यूज़ करेंगे NetX। आप इसको Angry IP स्कैनर PC में इंस्टॉल करके भी कर सकते हैं, और भी सिंपल मेथड्स हैं लेकिन मैं आपको सबसे ईजी बताऊँगा NetX इंस्टॉल कर लो, ये आपको आगे फ्यूचर में भी काफ़ी काम आएगा पेन टेस्टिंग और वाईफाई के
गैदरिंग के लिए, ठीक है, वाई फाई इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। देन इसको ओपन कर लेना है आपको। जैसे ही ओपन करोगे तो ये कोई रूट परमिशन नहीं मांगता है यार, ये नॉन रूट ऐप्स फ़ोन में भी परफेक्टली चलता है और ये मेरा करंटली नॉन रूट फ़ोन ही है। इसको आप लोकेशन की परमिशन दे देना। आप यहाँ पर आपको आई पी मिल जाएगी रेस्पबेरी पाई 3 की। तो आप देख सकते हैं मेरी आई पी है 192.168.0.164। सो ये मेरी होम आईपी है रेस्पबेरी पाई की। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको कॉपी कर लेना या याद कर लो, और इसको देन पेस्ट कर देंगे हम पुटी टूल पे, जो यहाँ पे SSH कनेक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने CMD में भी यूज़ कर सकते हैं SSH कनेक्शन, तो वो भी बहुत सिंपल मेथड है, लेकिन पुटी यूज़ करोगे तो ज़्यादा सही है। सो उसका लॉगिन पासवर्ड है काली एंड काली, ठीक है, फॉर रूट यूज़र। सो जैसे हम काली काली का लॉगिन कर लिया, देन आपको यहाँ पे लिखना है sudo su करोगे तो आपको रूट परमिशन मिल जाएगी। देन यहाँ पे हम कमांड डालेंगे काली पाई -tft -config, ठीक है, ये हमारा कमांड काली पाई -tft -config। सो ये ओपन करेगा। यहाँ पे एक काली पाई का प्रॉपर ये एक टूल है जो काली पाई के अंदर प्री इंस्टॉल आता है, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पे आपको सेटअप डिस्प्ले पे जाना है, वेव शेयर सेलेक्ट करना है अपनी 3.5 इंच की डिस्प्ले, देन ओके करना है। हम इसको रूट एक्टिव पे ही करेंगे, ओके कर देना है। जस्ट ये कुछ सेकंड्स लेगा और यहाँ पे आपका ये इंस्टॉल कर लेगा इसको। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हमें इसके ओवरलेज अपडेट करने हैं, ठीक है, तो ओके कर लेना है। देन जाना है आपको नीचे अपडेट ओवरलेज पर क्लिक करना है और ये कुछ सेकंड्स में हो जाएगा अपडेट ओवरलेज। सो गाइस, ओवरलेज अपडेट करने के बाद आपको सारे स्टेप्स यहाँ पे आपने कंप्लीट कर दिए हैं, आपको जस्ट फिनिश करके रीस्टार्ट कर देना है और आपकी जो रेस्पबेरी पाई हैकिंग मशीन है वो यहाँ पे बूट अप होने लग जाएगी, ठीक है। सो आपको ये कैंसिल कर देना है यहाँ से सब कुछ, और आपकी देखना रेस्पबेरी पाई मशीन पे बूट अप स्टार्ट हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे बूट अप स्टार्ट हो गया है। इंस्टाग्राम पेज आ रहा है राइट साइड में, आप उसको भी फॉलो कर लेना। और ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कोई क्वेरी है तो कमेंट करो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।